Hey, y'all, come look at this. It's the most beautiful feeling in the world. तो दोस्तों प्रीव्यू में जिस तरह का बर्थडे स्टेटस वीडियो पर दिखाया उस तरह का वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। देखिए इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को कुछ मटेरियल मिलेगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उससे फर्स्ट आप लोगों को डाउनलोड करना है। उसके बाद गाइस कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक वर्क ना करे तो आप लोग एसकेमिक्स ऑफिशियल सर्च करके भी जा सकते हो। एंड गाइस इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोई सा भी एक वीपीएन को कनेक्ट कर लीजिएगा। एक वीपीएन एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ, तो आप लोग उसे भी डाउनलोड करके टैप टू कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए इस तरह का वीडियो बनाने के लिए फर्स्ट न्यू प्रोजेक्ट पे टच करना है। उसके बाद गाइस आप लोग को एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसे आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो इसे फर्स्ट आप लोग ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद गाइज आप लोग इस वीडियो पर टच करना है, नीचे देखिए एक वॉल्यूम का बटन है, इस पर फर्स्ट क्लिक करें, इसको जीरो कर लीजिए, ठीक है। अब लास्ट में देखिए एक एंडिंग वाला पोर्शन है यहाँ पर, इसको आप लोगों को डिलीट करना है। अब गाइज आप लोगों को देखना है जितना तक ये लिरिक्स है, देखिए लिरिक्स कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, देखिए इस जगह पर ये लिरिक्स ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग इस वीडियो पर टच करना है, यहाँ पर स्प्लिट करना है, इधर का जो हिस्सा हो रहा है इसे डिलीट करना है, ठीक है। इतना तक होने के बाद गाइज ऐड ऑडियो जो नीचे ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे देखिए एक्सट्रैक्टेड करके आ रहा है, इस पर क्लिक करें, उसके बाद फिर से उस वीडियो को टच करें एंड ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इस तरह से। तो गाइज देख सकते हो ऑडियो नीचे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप गाइज आप लोग जिसका स्टेटस बनाना चाहते हो तो आप लोग उसका 8 फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फोटो सिलेक्ट करने के लिए गाइज साइड में देखिए प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगा एंड फोटोज में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 8 फोटो सिलेक्ट करना है। तो गाइज आप लोग इस तरह से 8 फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर 8 फोटो ऐड हो चुका है। आप लोग देख सकते हो फोटो छोटा हो रहा है, तो दोनों फिंगर से आप लोग इस तरह से जूम कर सकते हो। तो हर एक पिक्चर को आप लोग क्या कीजिएगा, जूम कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, 9:16 में आप लोगों को करना है। तो इस तरह से सिंपल वे में आप लोग सभी फोटो को जूम कर सकते हो। यहाँ पर गाइज देख सकते हो बाकी की फोटो जूम ही है। तो यहाँ पर गाइज आप लोग को फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन रखना है 2 सेकंड, ठीक है, ये ध्यान से आप लोग देखिए फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन होगा 2 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट फोटो 1.7 सेकंड, ठीक है, उसके बाद जो फोटो है इसको भी 1.7 सेकंड रखना है, नेक्स्ट फोटो को भी 1.7। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट फोटो सिर्फ 2 सेकंड, उसके बाद जितने भी फोटो हो रहे हैं देखिए 1.7 सेकंड में कर रहा हूँ। यहाँ पर गाइज देखिए इसे भी 1.7 सेकंड मैंने कर लिया है, उसके बाद इससे भी आप लोग 1.7 सेकंड करना है। एंड लास्ट का जो फोटो है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, देखिए यहाँ पर ऑडियो जितना तक है उतना तक आप लोग कर लेना है। तो देखिए इतना तक आप लोग करने के बाद आप लोग क्या करना है, इस फोटो पर टच करना है। यहाँ पर गाइज एनिमेशन करके आ रहा है, इस पर क्लिक करें, अगर नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ, तो उसे देखकर आप लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो गाइज आप लोग क्या करना है, इसके बाद कॉम्बो पर क्लिक करना है, उसके बाद गाइज थोड़ा सा स्लाइड करें, यहाँ पर देखिए जूम 2 करके एक इफेक्ट मिलेगा, ये जो इफेक्ट है इसे ऐड करें, नेक्स्ट फोटो में भी सेम जूम 2 को ऐड करें, नेक्स्ट फोटो में फिर से जूम 2। तो इस तरह से गाइज जूम 2 जो इफेक्ट है इसको आप लोगों को सभी फोटो में ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, फोटो पर टच करें उसके बाद जूम 2 पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने 8 फोटो पर ही इस एनिमेशन को ऐड कर लिया हूँ। अब गाइज आप लोग क्या करें, जहाँ से फोटो स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर आना है, आने के बाद बैक आइए, इफेक्ट पर टच करें, वीडियो इफेक्ट पर टच करें। यहाँ पर गाइज आप लोगों को देखिए ट्रेंडिंग पे ही एक आप लोगों को मिलेगा, देखिए होलो ब्लार करके, इसको आप लोगों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद गाइज इसका जो ड्यूरेशन है देखिए छोटा कर लेना है, इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए एंड इसको आप लोग टच करें। उसके बाद देखिए नीचे कॉपी करके आ रहे हैं, इस पर कॉपी करें, उसके बाद सेकेंड फोटो के फर्स्ट में ऐड करें, उसके बाद फिर से टच करें, कॉपी करें, थर्ड फोटो के फर्स्ट में ऐड करें। इस तरह से गाइज आप लोगों को कॉपी करना है एंड स्टार्टिंग में हर एक फोटो को ऐड कर लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉपी करना है, इस तरह से ऐड करना है। तो इस तरह से गाइज आप लोगों को ऑटो फोटो में ही इस तरह से इस होलो ब्लर जो है इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर गाइज देखिए ऑलमोस्ट मैंने सभी फ़ोटो में कर लिया हूँ और एक फ़ोटो बचा हुआ है तो इसे भी कर लेता हूँ। तो गाइज देखिए इस तरह से इफेक्ट होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये फर्स्ट ब्लर होगा, उसके बाद एकदम से पिक्चर क्लियर हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन एंड ट्रेंडिंग इफेक्ट भी है, तो आप लोग इसे लगा लीजिएगा। उसके बाद गाइज आप लोग क्या करना है, बैक आना है, यहाँ पर ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आप लोगों को एक बर्थडे पीएनजी मिलेगा, उसे ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के लिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ऐड करके। तो गाइज ये हैप्पी बर्थडे पीएनजी है, इसे आप लोगों को ऐड करना है, इस तरह से ऐड कर लीजिए, जूम करें एंड नीचे की तरफ इसे सेट कर लीजिए, ठीक है।
सेट करने के बाद गाइज इसे आप लोग लास्ट तक खींच लीजिए इस तरह से। लास्ट तक खींच लेने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो ऐड करना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो वीडियो ऐड करके। उसके लिए फिर से आप लोग ऐड वाले पे क्लिक करें एंड यहाँ पर एक वीडियो है उसे ऐड कर। तो गाइज ये वीडियो है इसे आप लोग ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद गाइज आप लोग इस तरह से इसे 90 डिग्री टिल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फुल स्क्रीन करें एंड नीचे के ऑप्शन है स्प्लैश करके, इस पर टच करें। उसके बाद गाइज आप लोगों को लाइटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लाइटन करके ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए एंड वीडियो जितना तक है उतना तक इस वीडियो को आप लोग रखना है। देखिए इतना तक है तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर इस वीडियो को टच करके स्प्लिट कर लीजिए एंड इधर का जो हिस्सा हो रहा है इसे डिलीट करें। देखिए बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, आप लोगों को करने में कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट पे फिर से टच करें, वीडियो इफेक्ट पे टच करें। आप लोग यहाँ पर और एक इफेक्ट ऐड करना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा इफेक्ट है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद पार्टी जो है इस पर आप लोग क्लिक करें, ये जो पार्टी करके है इस पर क्लिक करें। उसके बाद सेकंड वाला जो इफेक्ट है इस पर टच कर लीजिए। टच करने के बाद गाइज इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए। ये थोड़ा सा फ्लैश इफेक्ट टाइप का होगा, मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइज आपका जो वीडियो है अभी रेडी हो चुका है और आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर गाइज मैं प्ले करके दिखाता हूँ ऑडियो के बिना। आप लोग ऑडियो के साथ सुनना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज देखिए कैसा हुआ है। तो इस तरह से देखिए हैप्पी बर्थडे वाला टेक्स्ट भी फर्स्ट ब्लर होकर आएगा एंड इस तरह से बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन है। उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस बर्थडे स्टेटस को बना सकते हो। आशा करते हैं आपका आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर आप लोग नए हो तो इसी तरह का और भी अगर वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।